बहराइच को लेके भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दंगाइयों ने माना है कि पुलिस ने उनको 2 घंटे दिए थे कि आप ये करिए, तो क्या कहना है इस पर? बिल्कुल जेन्युइन बात है, मैंने आपको पिछली बार ये कहा था कि जब आपने देखा होगा कि इस तरह की जो वीडियो जाहिर हो रही है जिसमें लगातार उनके ऊपर हमले करे जा रहे हैं और पुलिस वाले अपने कंधे पे बंदूक टांगे और सिर्फ हाथ में लठ लेके घूम रहे हैं, कहीं रोकते नजर नहीं आए, वो कुछ करते नजर नहीं आए, अल्टीमेटली यही हुआ। तो अब उसी बात को बल मिल गया ना कि पुलिस वालों ने उन्हें छूट दे रखी थी, वरना क्या कारण था कि वो छोटा सा बवाल जो इतने बड़े बवाल का रूप ले गया? अगर पुलिस चाहती तो उस बवाल को वहीं रोक सकती थी, लेकिन पुलिस नहीं चाहती थी। अब जाके जब वो विधायक वहाँ का, जब उसे पता चला कि ये भीड़ मेरे बेटे को भी टारगेट करना चाह रही थी, तब जाके अब उसे होश आया है, तब जाके उसने जाके रिपोर्ट लिखाई कि भाजपा के मंत्री और ये संगठन मंत्री और ये लोग जो है मेरे बेटे को मारना चाहते थे, इसलिए इनकी रिपोर्ट लिखो और 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई गई है, तब जाके अब उसे होश आया। वही कहते हैं ना कि जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अब जब उसके अपने बेटे के ऊपर बात आई तो जाके उसने रिपोर्ट लिखानी शुरू कर दी। अगर उसका अपना बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसके बेटे की जान को खतरा नहीं होता, तो रिपोर्ट लिखवाने भी नहीं जाता। अब जाके परते खुलनी शुरू हुई क्योंकि उसका खुद का बेटा जो था उसको खतरा हो गया, तब जाके वो रिपोर्ट लिखवा रहा है कि हाँ जी इस तरह से गड़बड़ हुई है तो रिपोर्ट लिखो। अब साफ साफ पोले खुल गई और जिस अखबार ने सर्कुलेट करा है, मैं साफ साफ उसको कहता हूँ कोटि-कोटि नमन है जिसने स्टिंग ऑपरेशन चलाया और सारी सच्चाई जनता के सामने ला के रखी, नहीं तो अफवाहों का बाजार कितना जबरदस्त तरीके से गर्म था। गोली उसको एक लगी, उसके छर्रे उसे 36 लगे, लेकिन कह दिया गया 36 गोलियां लगी हैं, नाखून उखाड़े गए हैं, आँख फोड़ी गई है, पेशाचीता की गई है, करंट लगाया गया है। जब 2 दिन बाद बहराइच पुलिस की रिपोर्ट आती है कि नहीं इस तरह से कोई हरकत नहीं हुई है, उसके बावजूद भी लोग शांत नहीं रहे। वो नूपुर जय शर्मा जिसने पहले भी पैगंबर मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी करी थी, अब फिर जाके अपने भाषणों में जाके यही रहती है कि जी देखो कैसी पेशाचीता करी गई उसके साथ, उसकी आंखें नोच ली गई, उसको करंट लगाया गया, उसके नाखून उखाड़ लिए गए, सब कुछ करने के बाद, और 2-2 राज्यपाल वहाँ पे बैठे हैं, किसी ने उसे टोकने की हिम्मत नहीं दिखाई कि ये चीज़ गलत है। उसके बाद जब उसे दिखाया गया कि आपने गलत बनाया, बयानबाजी करी, फिर उसका एक माफीनामा आया कि मुझे नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, अब वो माफ़ी मांग रही है। लेकिन उससे पहले 1 हफ्ते तक तो आपने माहौल गर्म कर दिया ना, खराब कर ही दिया अल्टीमेटली माहौल, तो हो गया काम आपका, वही जो आप चाहते थे वो फैल गया, समाज में भय जो फैलना था वो फैल गया, समाज में जो दोषारोपण होने थे वो हो गए। लेकिन तहे दिल से धन्यवाद दैनिक जागरण का कि जिसने सारे स्टिंग ऑपरेशन करके सच्चाई लोगों के सामने रखी, उम्मीद है लोग इस सच्चाई से अवगत होंगे और कम से कम विवेकाधीन तरीके से फैसला लेंगे। अच्छा बोला जा रहा है कि एक तरफ योगी जी ने इनकाउंटर करके थोड़ा अपना दबदबा बनाया था यूपी में, तो वापस उनके विधायक ने कंप्लेन करके पूरा वो दबदबा जो उन्होंने बना रखा था पूरा चूर चूर कर दिया उपचुनाव से पहले। ये कोई दबदबा नहीं होता कि एनकाउंटर करना और बुलडोजर चलाना, ये कोई दबदबा नहीं है। आप कानून के हिसाब से काम करिए, आपका दबदबा अपने आप कायम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी, उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली 3 दिन का उनको नोटिस दिया गया। PWD के थ्रू 23 मकानों के ऊपर नोटिस चस्पा करे गए जिसमें 20 मकान मुसलमानों के और 3 मकान हिंदुओं के थे। उनको बोला गया 3 दिन के अंदर या तो स्पष्टीकरण दो या ये खाली कर दो, नहीं तो हम इसे गिरा देंगे। अब आप ये सोचिए कि दंगा होने से पहले वो कितने सालों से वो लोग वहाँ बैठे थे, अब PWD को होश नहीं आया कि उसकी जमीन पर कब्जा हुआ है या ये मकान अवैध है या ये दुकान अवैध है। अब जब ये काम हुआ तभी उसे याद आया, वो तो शुक्र है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई 15 दिन को, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आज तल्ख टिप्पणी करी है कि अगर हमारे बुलडोजर के अगर उसके फैसले के खिलाफ आप जाते हो तो योगी सरकार क्या आप हमारे फैसले की वो करना चाहते हो, तो फिर हम तुम्हें दिखाएंगे हम क्या हैं, तब जाके इस मामले पे थोड़ी सी रोक लगी। वरना तो उनका यही काम है, बुलडोजर चला दो ठोक दो एनकाउंटर कर दो, बुलडोजर चला दो ठोक दो एनकाउंटर कर दो। इससे अलावा उनके पास कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, भैया आपने जनता ने आपको चुन लिया, ढंग से प्रशासन दो, पूरी जनता आपकी है, जनता के साथ एक जैसा व्यवहार करो, कानून का राज कायम करो। और कानून के राज में क्या हो रहा है, वहाँ पे कानपुर में एक लड़की का अपहरण हो गया, उसका अपहरण करके उसका पता चला कि वो मुंबई में है, उसके भाई ने वो लोकेशन ट्रेस करी उसकी, उसे बताया पुलिस वालों को जाके कि जी ये वहाँ पे मुंबई में है। पहले तो उससे उसके भाई से किराया वसूल करा गया कि भाई मुंबई तक आने जाने का किराया तू ही देगा, गाड़ी लेके वहाँ पे गए, गाड़ी ला के उसे बीच में रस्ते में नासिक में उस लड़के को उतार दिया गया, और नासिक से लेकर कानपुर तक लाने में पुलिस वाला जो दरोगा था जो उसको वहाँ से लड़की को लेकर आ रहा था, पूरे रास्ते उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ करी है। ऐसे सरकारी प्रेशरे में गुंडे पल रहे हैं, सरकारी आतंकवाद फैल रहा है, इसे सरकारी आतंकवाद या सरकारी गुंडा ही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। व्यक्ति अपनी लगा रहा है गुहार कि जी मेरी बहन को अपहरण करके ले जाया गया है और वहाँ से उसे बरामद करके ला रहे हैं, और रास्ते में उसे पूरे रास्ते छेड़छाड़ करता हुआ लेके आया उधर होगा, कितनी हिम्मत पड़ गई, क्या ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए? बार बार ढोल पीटते हैं डंका पीटते हैं, कानून व्यवस्था यूपी में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसी कानून व्यवस्था कि जहाँ के कानून के रखवाले इस तरह की हरकत कर रहे हैं, बताओ कैसी कानून व्यवस्था रह गई भाई। अच्छा विपक्ष का भी कहना है कि अब कम से कम इस वीडियो देखने के बाद तो जनता को समझ जाना चाहिए कि किस तरीके की नफरत की राजनीति फैलाने का काम कर रही है भाजपा। देखिए जी जनता जो अधिकांश जनता है जो बीजेपी की आज की डेट में सपोर्टर हो चुकी है वो इस चीज़ को अभी नहीं समझेगी। अभी आप यहाँ पे थोड़ी नहीं मौजूद, थोड़ी देर पहले अभी एक वो अभी आए थे यहाँ पे, क्या नाम है, अंधभक्त इसी किस्म के आए थे। जब मैंने उन्हें दिखाया मैंने कहा ये देखो जी बहराइच पुलिस की जो रिपोर्ट है आधिकारिक जिसमें इस तरह की बातें नहीं है कि ना नाखून खींचे गए ना कुछ और करा गए, वो मानने को तैयार नहीं, नहीं झूठ बोल रहे हो आप, तो झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे झूठ बोल रहे,
वो बंदा मानने को तैयार नहीं। जब उसे आधिकारिक रिपोर्ट दिखा, आपने फर्जी छाप लिया होगा, जब उसे बहराइच पुलिस का आधिकारिक बयान दिखाया, ट्विटर पे दिखाया गया, तब वो थोड़ा बहुत माना और उसके बाद वो कल्टी हो लिया। तो इस तरह के लोगों की मानसिकता अभी भी मौजूद है, मानने के बावजूद भी नहीं मानेंगे कि नहीं हमारे लोगों ने गलती करी है। जब तक उनके खुद के घर नहीं जलेंगे, उनके खुद के घर से कोई अर्थी नहीं उठेगी, ये लोग मानने वाले नहीं है। अब जो राम गोपाल मिश्रा के परिवार का व्यक्ति मारा गया, अब वो सारों को होश आ जाएगा कि हमारे परिवार के लोगों को दंगे में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब उन्हें होश आएगा उसके पूरे खानदान को कि इस तरह से आगे दंगों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना जो है वो हमारे लोगों को ही नुकसानदेह पहुंचेगा। 10 लाख में क्या राम गोपाल मिश्रा वापस आ जाएगा? सरकार ने 10 लाख रुपए देके एक नौकरी देके घर देके अपनी तो तीसरी कर ली, उसकी तो जिंदगी गई, क्या राम गोपाल की जिंदगी वापस आ जाएगी? नहीं आ पाएगी ना। तो बाकी लोग जो इस तरह के जो समझदार लोगों के, कम से कम कुछ लोग तो सोचेंगे इस बारे में, कुछ लोगों पर फर्क पड़ेगा। बाकी जो उनके अपने आप को कहने वाले कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू कहने वाले, कट्टर बीजेपी कहने वाले, उनको ये फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो आरोप लगा रहा था बीजेपी के कि दंगों पे भी राजनीतिक रोटी सेकती है भाजपा, वो साबित हो रहा है? बिल्कुल साबित हो रहा है। क्या बचा इसमें? कुछ बचा थोड़ी है, साबित होने में कुछ भी नहीं बचा इसमें, सब सामने आ गया, खुल के सारा सच सामने आ गया। तो यही बात हुई है, सब सामने आ गया, खुल के सामने आ गया। मैं ऐसे ही थोड़ी कहता हूँ इस पार्टी को भारत जलाओ पार्टी। अभी जिस दिन दंगा फसाद हुआ उसके 2 दिन बाद ही उपचुनावों की घोषणा हो गई, उससे पहले उपचुनाव याद नहीं आ रहे थे। हरियाणा के साथ भी करा सकते थे, नहीं कराए। जम्मू कश्मीर के साथ भी करा सकते थे, दोनों के साथ करा, नहीं कराए। पहले वहाँ सिस्टम तैयार करा जा रहा था कि किस तरह से सिस्टम बनाओ, और उसके बाद आ जाइए आप बता दीजिए क्या बिके हैं बड़े भाई साहब। अच्छा, भाजपा के कुछ नेताओं का भी कहना है कि उपचुनाव के बाद ये मामला शांत हो जाएगा दंगा का, तो क्या उपचुनाव तक इंतजार किया जा रहा है? और किस लिए था ये सारा का सारा कहानी? इसीलिए इससे पहले भड़काऊ बयान दिए गए, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद दंगा भड़का दिया गया, और फिर दोबारा से बयान दिए गए कि देख लिया बटोगे तो कैसे कटोगे, अब तुम बट रहे थे तो इसलिए कट गए। अल्टीमेटली एक प्यादे को आगे करा के उसकी जान लेके, और उसके बाद आपने मैसेज क्लियर कर दिया। लेकिन आज ये जो पोल खुल गई है, उम्मीद है कुछ लोगों की अकल पे पड़ा हुआ पर्दा जो है वो हटेगा, कुछ ना कुछ फर्क आएगा। बाकी अब देखो, जब इसकी पोल खुल गई है तो अब क्या नया शकुका सामने आता है, कौन सा नया कांड सामने आता है अब इसके बाद? अभी तो चुनावों में देरी है, हो सकता है अभी कल परसों में कुछ और नया निकल के आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है इस मामले को ठंडा करने के लिए, क्योंकि अब बीजेपी के लोग खुद फंस रहे हैं इसमें। तो कोई भी नई चीज़ एक नया शकुफा वो छोड़ देंगे, कोई भी एक नया जो है कांड खड़ा कर देंगे, तैयार कर देंगे, ताकि इससे लोगों का दिमाग हटे। अच्छा, ये जो इनकाउंटर भी किया गया था बहराइच में, उसको भी विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा था कि फेक पूरा इनकाउंटर बनाया गया है, स्टोरी बनाई गई है इनकाउंटर करने के लिए। एनकाउंटर की स्टोरी जो है यूपी में तो एक सीधी साधी स्टोरी है, एनकाउंटर करने के लिए उनके पास एक ही स्टोरी होती है, हमने अभियुक्त को पकड़ा या हमने अभियुक्त को घेरा चारों तरफ से, तो उसने अपने आप को घेरा हुआ देख के हमारे ऊपर गोली चला दी, जवाबी कार्रवाई में हमने भी गोली चलाई, वो मारा गया, या इस बार तो खैर वो दोनों घायल हुए, लेकिन इससे पहले सारे मारे जाते थे। या दूसरी स्टोरी ये होती थी कि जी हम उसे अभियुक्त को हमने पकड़ा, हम उसे सीन रिक्रिएट करने के लिए घटनास्थल पर लेके गए थे, वहाँ उसने हमारे अधिकारी की पिस्तौल छीन के भागने की कोशिश करी और हम पर गोली चलाई, बदले में जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। तीसरी, इनके पास स्क्रिप्ट नहीं है अभी तक, किसी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर का सहारा लो और उसके बाद नई स्क्रिप्ट बनानी शुरू करो, जनता इस चीज़ से बोर हो चुकी है, हर बार वही रटी रटाई कहानी, बंदूक लेके भाग रहा था या भागने की कोशिश करी या हमारे ऊपर गोली चलाई, तीन ही से चौथा कोई काम ही नहीं होता। एक अपराधी जो चारों तरफ 30 या 40 पुलिस वालों से घिरा पड़ा, उसकी क्या इतनी हिम्मत जाएगी वो बंदूक छीन लेगा, और आप बंदूक उसी के सामने ऐसे लटकाते हुए लेके जा रहे हो क्या कि जो वो छीन लेगा? कैसे छीन लेगा भाई, किसकी हिम्मत इतनी होती है? रस्सियों से बांध के उसे, हथकड़ियों से बांध के उसे तुम लेके जा रहे हो और वो छीन के भाग लेगा? पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी किस्म से। झूठ बोलने की आदत है इन लोगों की, तो झूठ बोलना इन्होंने है ही है, सीधी सी बात है। अच्छा, ये भी बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं योगी जी के होते हुए यूपी में जो हिंदुओं की सुरक्षा पे सवाल उठ रहा था, कहीं ना कहीं क्या उसका बदला लेने के लिए इनकाउंटर कराया गया? ये कोई नहीं, हिंदुओं की सुरक्षा का क्या मतलब होता है? सुरक्षा तो हर एक जनमानस की होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, हर एक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का काम है। सिर्फ ये नहीं कि हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, मुसलमानों की कौन करेगा भाई? मुसलमान भी तो इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, इसी देश का पहनते हैं, इसी देश में टैक्स दे रहे हैं, इसी देश में जनता इसी देश का पानी पी रहे हो, फिर उनकी सहायता कौन करेगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? सिख भी इसी देश के वासी, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये कहना सर्वाधिक गलत है कि नहीं हिंदुओं की सुरक्षा है, हिंदुओं की सुरक्षा गलत बात है, प्रजा प्रजा है, प्रजा में विभेद करना गलत चीज़ है।